हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। वेलकम इन कोरियन क्लासेस, इट्स अ रियल कोरियन क्लास। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, अगर कोई नया है इस वीडियो में तो वो पहले जाके प्रीवियस वीडियो को देखे, तब इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो है कोरियन की, जो एक नई ग्रामर है वो देखेंगे, जिस ग्रामर का नाम है हागू, जो कि हम यूज करते हैं व्यंग्या के साथ, नाउन के साथ, संज्ञा के साथ। मतलब जब भी हम किसी दो चीज़ों को जोड़ते हैं सेंटेंस को, जैसे हम अपनी हिंदी में यूज करते हैं और, तो आज हम उसी चीज़ को कोरियन में पढ़ेंगे कि कैसे हम और को यूज करते हैं कोरियन में। तो ये हमेशा नाउन के साथ यूज होता है, इस नाउन के पीछे लग के, मतलब दो नाउनों को कनेक्ट करता है ये अपने, या फिर हम बोल सकते हैं किसी दो सेंटेंस को हम जोड़ सकते हैं हागू के साथ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यंगसा प्लस हागू। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं, म्योंसा प्लस हागू, मतलब ये हरदम, ये हमेशा म्योंसा के साथ लगेगा। म्योंसा को हम बोलते हैं नाउन, और जो कि बोलते हैं हम संज्ञा अपनी हिंदी में, तो संज्ञा के साथ हरदम ये पीछे लगेगा। जैसे कि कुछ सेंटेंस बनाते हैं, इसका मैंने आपको मीनिंग बता दिया गाइस, कि जब भी कोई दो चीजों को हमने जोड़ना है, जैसे मैं और मेरा दोस्त, क्या मैं और मेरा दोस्त स्कूल जाते हैं, इस तरह से, किसके साथ, मेरे दोस्त के साथ। जब दो चीजों को हम जोड़ते हैं तो उस टाइम पे हम इस हागू का यूज करते हैं। जैसे कि अभी देखते हैं कि कोई क्लास है, क्लास में जैसे क्या बोलते हैं, डेस्क होता है, चेयर होती है, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, चलिए एक बना के देखते हैं। खुशी रहे चिक्सांग हागु विजागा इसोयो। क्या गाइस, खुशी है छेक्सांग हागु ईजागा इसोयो, ईजागा इसोयो, मतलब एक क्लास में खुशी क्या होता है, क्लास, क्लास में छेक्सांग क्या होता है, जो अपना बेंच होता है उसको हम छेक्सांग बोलते हैं, जिस पे हम पढ़ते हैं किताब रख के। छेक्सांग हागु मीन्स जो डेस्क है, डेस्क प्लस हागु। इस देखो, अब ये छेक्सांग क्या था, यहाँ पे म्योंसा मीन्स ये क्या है, वर्ब, छिक्सांग, छिक्सांग वर्ब है, छिक्सांग म्योंसा है गाइस, संज्ञा है, तो संज्ञा के पीछे हमने क्या लगाया, हागो। छिक्सांग और क्या लिखते हैं अपनी हिंदी में, छिक्सांग और डेस्क और चेयर, उइजा का क्या है, चेयर, उइजा का इसोयो। और मैंने आपको बताया था कि जो जो संज्ञा के पीछे जो ईगा और उल लगते हैं, उन लगते हैं, अगर इसोयो है तो उसमें क्या लगेगा, ईगा लगाते हैं हम। तो गाइस, ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, और ऐसे आप और भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं और, देखते हैं एक दो और बना के देखते हैं। जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ, और सुबह हम जैसे दूध के साथ कुछ ब्रेड वगैरह लेते हैं, खाते हैं हम दूध के साथ ब्रेड, चलो वो बनाते हैं एक। उयु के साथ क्या लेते हैं, उयु हागु, ब्रेड को क्या बोलते हैं, पांग, उयु हागु पांग, मोगोयो, उयु हागु पांग मोगोयो मिस, मैं दूध के साथ ब्रेड खाता हूं। जैसे कि फ्रिज है अपना, रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में कुछ है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है रेफ्रिजरेटर में, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं रेफ्रिजरेटर में क्या है, मैं इसको मिटा देता हूँ यहां से। निंजंगो, निंजंगो है, मतलब रेफ्रिजरेटर में निंजंगो है, क्या क्या है, जैसे निंजंगो में अपने फ्रिज में क्या क्या होता है, क्या है, जैसे कि भाई क्वाइल रखे हैं, क्वाइल, क्वाइल किसको बोलते हैं, अपने फ्रूट वगैरह को, क्वाइल हागो, क्वाइल हागो क्या है,
कुछ भी लेते हैं यार, दूध ही ले लेते हैं, या फिर 1900 ले लेते हैं, 1900। ओके गाइस, क्या है फ्रीज में? निंजांगोए क्वाइल हागो 1900 का इसयो। 1900 मींस मतलब ड्रिंक वगैरह कुछ भी, आप किसी भी चीज की ड्रिंक आप सोच सकते हैं, मतलब कोई भी ड्रिंक आप से ले सकते हैं। तो इस तरह से आप गाइस कुछ भी बना सकते हैं, या फिर हम एक और बनाते हैं, जैसे जैसे कि छोनन छिंगू हागू खुम्बुरे छोनन छिंगू हागू खुम्बुरे है ओ। कभी कभी हम बोलते हैं गाइस कि मैं अपने दोस्त के साथ पढ़ रहा हूं, तो विद का भी यूज होता है गाइस इसका कभी कभी। इस और का मतलब एक तो हो गया जैसे हागू का मतलब और, जब भी हम कुछ भी कनेक्ट करते हैं या फिर हम किसी के साथ होते हैं विद, तो इसका यूज हम कभी कभी क्या करते हैं, जब ये वर्ब के साथ आ जाती है तो विद में भी यूज करते हैं गाइस इसका। जैसे कि छोनन छिंगू हागू खुम्बु है ओ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस, खुम्बु है ओ। इस ल को अगर हम हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सीधा जैसे ये होता है खुम्बू हादा, ये क्या है एक वर्ब है, मतलब कि टू डू स्टडी, टू डू स्टडी, खुम्बू हादा मीन्स टू डू स्टडी, तो मतलब पढ़ना, पढ़ाई करना। तो जब भी हादा आ जाता है किसी के पीछे तो कुछ करना, मतलब खुम्बू हादा, पढ़ाई करना, तो इसलिए हमने क्या कर दिया इसको, हादा को तोड़ के लिख दिया, खुम्बू को एक तरह से क्या बना दिया, नाउन बना दिया कि खुम्बुर है ओ। ओके गाइस, तो इस तरह से आप वर्डों को कनेक्ट कर सकते हैं, सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे झोनन खुम्बू हागो थुंगसेंगन बोमो है ओ, मिस कुछ दूसरी चीज वो कर रही है। तो जैसे गाइस ज्यादातर हम इसका हागू का यूज करते हैं कि कुछ भी दो चीजों को कनेक्ट करना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कि हागू हमारे वक्त कब यूज करना है। तो गाइस आज का जो होमवर्क है वो आपको, जो एक एक्सरसाइज है वो आपको क्या करना है कि इस हागू से जितने ज्यादा आप सेंटेंस बना सकते हो, आप कुछ भी ले लो, जैसे एक क्लास ले लिया आपने, कुछ भी अपनी अपने स्कूल में जो जो चीजें होती हैं एक क्लास में, जैसे डस्टर के साथ आप कुछ भी बना सकते हैं, चेकसंग के साथ, मतलब डस्टर के साथ, डस्ट या चौक के साथ, वो मतलब कुछ भी अगर आपकी क्लास में रखा है तो आपको दो वो करके बनानी है। और या फिर आपने, या अपने मतलब कि मैं किसके साथ खेल रही हूँ, या फिर मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मैं कि भाई मैं दूध के साथ ये खाती हूँ, या फिर आपके फ्रिज में क्या क्या है, आप उस पर भी मतलब हागू के साथ आपको दो नाउन्स को जोड़ के, मतलब आपके फ्रिज में मान लो जैसे ऐसे रखते तो नहीं है, जैसे आलू और हमने प्याज ले लिया, तो फ्रिज में क्या क्या है, निंजांगो है खमजा हागू यांगफा इसोयो, इस तरह से। तो गाइस आपको इस तरह से मेरे को आपको बना के कमेंट करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी गाइस, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।